हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे से होंगे माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो डो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि कल से हमने एक नए लेक्चर सीरीज की शुरुआत की है रिगार्डिंग द स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल आज हम इसका लेक्चर नंबर टू करेंगे और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा विल बी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा यह अपने आप में ही एक काफी बड़ा टॉपिक है होपफुली हम इसको दो या तीन पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की क्लास को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा कलेक्शन क्या होता है वट इज डेटा कलेक्शन इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है एक बार इसको पढ़ लेते हैं इन डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रेलेवेंट सोर्सेज टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द रिसर्च प्रॉब्लम डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस होती है जहां पे हम गैदर कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ऑल द रेलिवेंट सोर्सेज ताकि हम किसी स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाए डेटा कलेक्शन मेथड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज वन इज नोन एज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड द अदर वन इज नोन एज द सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स अब ये प्राइमरी डेटा क्या होता है एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है इसके बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा तो पहला मेथड जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को आप बोल सकते हो डायरेक्ट uh, इंटरव्यू भी दिस मेथड मेथडिशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा पर्सनली बाय द इन्वेस्टिगेटर ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी फ्रॉम द सोर्स कंसर्न डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पर्सनली डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द कंसर्न सोर्सेस आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे याद रखनी होगी एक टर्म हम यूज करते हैं इन्वेस्टिगेटर एक टर्म हम यूज करते हैं इन्यूमिलेटर एक टर्म हम यूज करते हैं रेस्पॉन्डेंट और इसी को हम बोलते हैं कभी कभी इन्फॉर्मेंट ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इनकी मीनिंग क्या है इन्वेस्टिगेटर मतलब हो गया ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी जो कि इस डेटा जिसको एक्चुअली ये डेटा चाहिए होगा ठीक है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर इनोमलेटर मतलब हो गया कभी कभी इन्वेस्टिगेटर खुद सारी की सारी जगहों पे नहीं जा सकता है पर्सनली तो वहां पे वो कुछ ट्रेनड पर्सन को हायर कर लेता है उनको हम बोलते हैं इनोमिलेटर्स और रेस्पोंडेंट और इन्फॉर्मेंट होता है जिससे हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पोंडेंट और इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पर्सनली खुद ही सारा का सारा डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर हैज टू द फील्ड पर्सनली बाय मेकिंग इंक्वायरीज एंड सोलिसाइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनफॉर्मेंट्स और रेस्पॉन्डेंट्स डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको खुद ही पर्सनली फील्ड्स में जाना पड़ता है इंक्वायरी डेटा इंक्वायरी करने के लिए या इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए फ्रॉम द इंफॉर्मेंट्स और रेस्पोंडेंट्स दिस मेथड शुड बी यूज्ड ओनली इफ द इन्वेस्टिगेशन इज जनरली लोकल कंफाइन टू अ सिंगल लोकेलिटी और रीजन और एरिया हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड ज्यादा वहां पे प्रेफर करते हैं जहां पे एरिया क्या होगा कम होगा छोटा सा एरिया होगा यानी कि कन्फाइन टू अ सिंगल लोकेलिटी होगा या एक सिंगल रीजन की जहां पे बात होगी अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होगा वहां पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है ऑल्दो हम कर सकते हैं लेकिन टाइम एंड मनी वहां पे हमें काफी ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम सच इन्वेस्टिगेशन इज ऑरिजिनल इन नेचर जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से हमें डेटा मिलता है वो ऑरिजिनल नेचर का होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स uh, और हम डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पर मेरिट्स में अब अगर हम एडवेंटेजिज की बात करेंगे वट आर द एडवाटेजिज ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और यू कैन से वट आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द फर्स्ट वन इज दैट The first-hand data obtained is bound to be more reliable and accurate, since the investigator can extract the correct information by removing the doubts. जो direct personal investigation से हमें data मिलता है, वो काफी ज़्यादा reliable होता है and काफी accurate होता है, because investigator खुद अपने हिसाब से data को collect कर रहा होता है। कभी-कभी अगर रेस्पोंडेंट के दिमाग में कोई भी डाउट आएगा तो वो साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटर उस डाउट को भी क्लियर कर सकता है और अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है द इन्वेस्टिगेटर कैन एक्सट्रैक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स बाय टॉकिंग टू देम एट देयर एजुकेशनल लेवल एंड इफ नीडेड कैन आस्क देम क्वेश्चन इन देयर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन्वेस्टिगेटर यहां पे ज्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है क्यों क्योंकि आपको पता होती है इन्वेस्टिगेटर को पता होती है कि मैं किस पर्सन के साथ अभी बात कर रहा हूं उसकी एजुकेशनल लेवल क्या है उसी एजुकेशनल लेवल को ध्यान में रखते हुए हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कभी कभी अगर हो सकता है हम उसको लोकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें अब अगर हम इसके डिमेरिट्स की बात करेंगे दिस मैथड इज नॉट सुटेबल इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू वाइड आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अगर आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है काफी बड़ा है उस टाइम पे ऑल दो आप कर सकते हो लेकिन यह काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस उस टाइम पे बन जाएगा दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज हैंडीकेपड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मनी एंड मैन पावर ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें हमें काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है काफी पैसे आ, काफी पैसे भी हमें इसमें स्पेंड करने पड़ते हैं और इसमें मेन पावर भी काफी ज्यादा लगता है मेन पावर आप बोल सकते हो लेबर इसमें हमें काफी ज्यादा लेबर की भी जरूरत पड़ती है दिस इंक्वायरी इज एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव इन नेचर जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है ये सब्जेक्टिव नेचर क्या होता है सब्जेक्टिव का uh, मतलब यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है सक्सेस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन द इंटेलिजेंस स्किल टैक्ट इन साइड डिप्लोमेसी एंड करेज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर आपको उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छी मिल सकती है अगर जितनी जितना आप इंटेलिजेंट होंगे जितना आप स्किलफुली क्वेश्चंस पूछेंगे ठीक है Uh, उतना आपको अच्छा रेस्पॉन्स वहां से मिल सकता है इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है दैट दिस इन्वेस्टिगेशन इज सब्जेक्टिव इन नेचर ठीक है तो होपफुली आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड अब हम सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं सेकंड मेथड इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन या पे इसको बोल सकते हो इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी ठीक है वेन द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट प्रैक्टिकेबल इधर बिकॉज ऑफ द अनविलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू फर्निश द रिक्वेस्डेड इन्फॉर्मेशन और ड्यू टू द एक्सटेंसिव नेचर ऑफ द इंक्वायरी और ड्यू टू द फैक्ट दैट द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डू नॉट एग्जिस्ट और आर एंड इनडायरेक्ट अनरिलारल इन्वेस्टिगेशन इज कैरीड आउट इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन हम तब अप्लाई करते हैं जब आपको लगता है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे प्रैक्टिकेबल नहीं है कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे हम इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करते हैं जब आपको लगता है जो रेस्पॉन्डेंट है वो अनविलिंगनेस शो करता है आपको आंसर देने के लिए ठीक है या अगर वो आपको आंसर दे भी देगा हो सकता है कि वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे देगा बिकॉज uh, उसको यहां पे कुछ पर्सनल क्वेश्चन हम पूछ रहे होते हैं रिगार्डिंग सम क्रिटिकल इशूज तो हो सकता है वो मैनिपुलेट करके आपको आंसर्स दे देगा तो उस टाइम पे आपका डेटा क्या बन सकता है अनरिलायबल बन सकता है या कभी कभी हम इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन इस पर्पज के लिए करते हैं बिकॉज उस टाइम पे जो एक्चुअली जिससे हमें डेटा चाहिए होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है एज एन एग्जाम्पल हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो हो सकता है कि वो आउट ऑफ स्टेशन हो ठीक है तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड अप्लाई करना पड़ता है

ऑन सोशल लेवल्स ठीक है लाइक like, क्या कोई पर्सन एडिक्टेड uh, है ड्रिंकिंग के लिए uh, ड्रिंकिंग में या गैम्बलिंग में या स्मोकिंग में तो वैसी इंफॉर्मेशन जब आप डायरेक्टली उस पर्सन से इसके बारे में क्वेश्चन पूछोगे हो सकता है कि वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे ठीक है या हो सकता है कि वो अनविलिंगनेस शो करे आपको रेस्पॉन्स देने के लिए तो उस टाइम पे हमें इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड अप्लाई करना पड़ता है दिस इन्फॉर्मेशन ऑन गैम्बलिंग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कैन बेस्ट बी ऑब्टेनिड बाई इंटरव्यूंग हिज पर्सनल फ्रेंड्स रिलेटिव और नेबर्स हु नो हिम थॉरली वेल तो अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी रिगार्डिंग क्या कोई पर्सन uh, जुआ खेलता है क्या वो शराब पीता है क्या वो स्मोकिंग करता है इस टाइम पर आप क्या कर सकते हो आप उनके फ्रेंड से uh, बात कर सकते हो उनके रिलेटिव के साथ बात कर सकते हो नेबर्स के साथ बात कर सकते हो वो इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए बिकॉज डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन वो पर्सन आपको नहीं बता सकता कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे इन दीज टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज फैक्चुअल डेटा ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर कलेक्टेड बाय इंटरव्यूइंग पर्सन हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्नड सब्जेक्ट मैटर जिस सब्जेक्ट से एक्चुअली हमें डेटा चाहिए होगा हम उससे क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं रादर हम उसके दोस्तों से बात करते हैं हम उसके रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं या कभी कभी हम उसके फ्रेंड्स के साथ भी बात करते हैं या फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रिवील करने के लिए और कभी कभी हम क्या करते हैं कभी कभी हम उसके दोस्त को ही हायर करेंगे एज एन इनोमिलेटर उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए थड कंसिस्ट इन कलेक्शन ऑफ द डेटा थ्रू इनटर्स अपॉइंटेड बाई फॉर दिस पर्पज कभी कभी हम इसमें और इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए इनोमिलेटर्स को भी हायर uh, कर सकते हैं ठीक है इनोमिलेटर कौन हो गया मैंने आपको जैसे बताया ये ट्रेनड पर्सन होते हैं जो जिनको हम भेजते हैं फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आपके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ठीक है तो कभी कभी हम इस वाले मेथड में इनोमिलेटर्स को भी हायर कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिवील करने के लिए लेकिन वो हो सकते हैं ताकि वो वो इंफॉर्मेशन उनके साथ आराम से शेयर कर पाए स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चनिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वा इज प्रिपेड दीज क्वेश्चन आर देन पुट टू दर्सन विटनेस और इनफॉर्मेंट यहाँ पे क्या होगा इन्वेस्टिगेटर uh, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करेगा और वो बोलेगा इनोमिलेटर को कि इन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे इससे निकाल के दो सम्भाव ठीक है अब अगर हम इसके मेरिट्स की बात करेंगे सिंस द इनोमिलेटर कॉन्टैक्ट द इन्फॉर्मेंट पर्सनली दे कैन एक्सरसाइज दियर इंटेलिजेंस स्किल टैक्ट टू एक्सट्रैक्ट करेक्ट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बाय क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स इफ नेसेसरी वन ऑफ द मेरिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड इज दैट यहाँ पे हम इनोमिलेटर्स को हायर करते हैं जो कि जनरली आ, उस सब्जेक्ट के फ्रेंड्स होते हैं रिलेटिव होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं ठीक है यहाँ पे क्योंकि ये इनोमिलेटर पर्सनली बात कर रहा होता है हमारे इंफॉर्मेंट के साथ ठीक है तो यहाँ पे इस इनोमुलेटर के कितने ये कितना इंटेलिजेंट है इसके क्या स्किल्स हैं ये ये कितना टैक्टफुल है इस पर हमारी इंफॉर्मेशन काफी ज़्यादा रिलाई करेगी जितना ये इंटेलिजेंट होगा जितना ये ज्यादा स्किलफुल होगा उतने आ, उतनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच सकती है और साथ ही साथ यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है क्या जो इन्फॉर्मेंट है या जो रेस्पोंडेंट है क्या वो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है यहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है इन ऑर्डर टू चेक क्या ये हमें सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है दिस मैथड इज लेस एक्सपेंसिव एंड रिक्वयर्स लेस टाइम एज कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ये वाला मैथड जो है औरल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है औरल इनडायरेक्ट मेथड जो है ना ये लेस टाइम लेता है एंड लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन टाइम क्यों कम लेगा बिकॉज आप यहाँ पे इनोमुलेटर्स को हायर करते हो दस रीजन से डेटा कलेक्ट करने के लिए आप दस इनोमुलेटर्स को हायर कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो इन अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ टाइम और लेस एक्सपेंसिव भी होता है बिकॉज पे आपको हर एक जगह पे ट्रेवल करने की जरूरत नहीं होती है एक एक जगह पे ठीक है थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं इफ नेसेसरी द द एक्सपर्ट व्यूज एंड ऑफ स्पेशलिस्ट ऑन द गिवन प्रॉब्लम कैन बी ऑबेड इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड कंडक्ट द इंक्वायरी मोर इफेक्टिवली एंड एंडली बहुत सारे रेस्पॉन्स लेने के बाद फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स और फ्रॉम द रिपॉन्डेंट्स वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम एक्सपर्ट व्यूज भी ले सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें ताकि हमारी इंक्वायरी इफेक्टिव बन जाए और एफिशिएंट बन जाए अब अगर हम इस मेथड के डिमेरिट्स की बात करेंगे द इनोमिलेटर शुड बी प्रॉपरली ट्रेनड एंड टैक्टफुल एनफ टू इलेसाइड प्रॉपर एंड करेक्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना होगा जो भी आपका इनोमिलेटर होगा वो प्रॉपरली ट्रेनड होना चाहिए उसके पास टैक्टफुल स्किल्स होने चाहिए इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो आपके लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें अगर वो थोड़ा सा ही ट्रेनड होगा या अगर उसके पास अच्छे खासे टैक्ट्स नहीं होंगे इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी और ये जो ट्रेनड इनोमरेटर्स होते हैं इनको फाइंड आउट करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इनको पहले ढूंढना अ रॉन्ग और इमप्रॉपर चॉइस ऑफ फिटनेस विल गिव बायसड रिजल्ट विच में एडवर्सली इफेक्ट द फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी अगर आपने इमप्रॉपरली या रॉन्ग तरीके से किसी भी विटनेस को सेलेक्ट कर दिया तो वहाँ से आपको बायसिड रिजल्ट मिल सकते हैं ठीक है, है ना जो कि आपकी फाइंडिंग्स को बाद में एडवर्सली काफ़ी बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं तो so होपफुली आपको ये दोनों मेथड्स अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे आज हमने दो मेथड्स किए रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा एक हमने देखा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और दूसरा हमने देखा इनडायरेक्ट ऑरल इंटरव्यूज ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी मेथड्स को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखेंगे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा डो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी आप टेलीग्राम uh, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ गुड बाय